जा आ भी जा, आया मैं तेरे लिए, आ जा आ भी जा। कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है, गुनाहों को तेरे धोने के लिए सूली पे जान दे दी है, सर पे कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण केवल आपसे ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के लोगों से और खास करके रसिया और यूक्रेन से यह कहना चाहता है कि युद्ध लड़ना पागलपन होगा। इस चल रहे महाक्लेश के दिनों में, इस उपस्थित महासंकट के दिनों में मन परिवर्तन करने की आवश्यकता है, केवल मन परिवर्तन करने की। अगर यदि मन परिवर्तित हो जाए तो सारा कलह क्लेश झगड़ा झंझट लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे, आर्थिक समस्याएं भी आएगी और पूरी धरती तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण एलिया के द्वारा एक बहुत बड़ा समाचार भेजा और एलिया यह कहता है कि किसी भी स्थिति में, इस महाक्लेश के दिनों में, इस महासंकट के दिनों में युद्ध लड़ना पागलपन होगा और अपने लिए महाविनाश को निमंत्रण देना होगा, और इसमें केवल निर्दोष लोग ही नहीं बल्कि पूरी धरती तबाह हो जाएगी और सबकी आर्थिक स्थिति बहुत 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 खराब हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है मन परिवर्तन करने की। अगर यदि मन परिवर्तित हो जाए तो सब के सब युद्ध जहां के तहां रुक जाएंगे और सभी आदमी के साथ साथ ये धरती एकदम सुरक्षित रहेगी। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। जान दे
दी है। सर पे कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है, गुनाहों को तेरे धोने के लिए जान दे दी है। सर पे कांटों का ताज पहनकर लहू बहाया है। आ जा आ भी जा, अभी जा आया मैं तेरे लिए। मुसीबत में खोया, आ जा अभी जा, देख तू मुझे आया मैं तेरे लिए। क्यों तू है यार पापों में डूबा, हम और मुसीबत में खोया, आ जा अभी जा, तेरे लिए आजा अभी जा, आया मैं तेरे लिए, आजा अभी जा। जीवन है पल दो पल का, लहू में नया जीवन को देने, आजा अभी जा बुलाता तुझे। गुनाहों से कर ले तू आज तौबा, जीवन है पल दो पल का, लहू में नया जीवन को देने, आजा अभी जा बुलाता तुझे, आजा अभी जा आया मैं तेरे लिए, आजा अभी जा आया मैं तेरे लिए, आया मैं तेरे लिए, तेरे